the reactance of one farad capacitance when connected to DC circuit, when connected to a DC circuit is, option है आपके, पहला option है infinite, अगला जो option है वो है 1 ohm, C option जो है वो है 0.5 ohm, okay, and the last option है वो क्या है देखते हैं, 0 ohm, तो देखते हैं इसका क्या answer होगा. So let's see the answer. So अगर हम बात करें एक reactance of 1 farad capacitance is connected to DC circuit. So अगर हम बात करें XC होता क्या है, XC होता है 1 upon omega C, ठीक है, 1 upon 2 pi FC, ठीक है. Frequency तो DC की कितनी होती है भाई, DC की frequency की बात करें तो कितनी होती है, 0, ठीक है, तो 0 लगा दीजिए, 1 upon 2 pi into 0 और आपको C कितना दे रखा है, 1 farad लगा दीजिए ना, 1 upon 0 क्या होता है, infinite, और कैपेसिटर कैसा बिहेव करेगा, इनफाइनाइट ओपन सर्किट, और उस समय उसकी जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है उसकी वैल्यू कितनी होगी, इनफाइनाइट. ऑप्शन कौन सा सही है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है. अगली हम बात करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, देखते हैं क्या है. So नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम अपने, ये तो हुई क्या है. अब अगर हम देखें नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा है, a 10 microfarad capacitor is connected to a voltage source with Vt equals to 50 sine 2000 t volt, ठीक है, then the current through the capacitor is dash in ampere. ऑप्शन है आपके, पहला जो ऑप्शन है वो है dash 10 की पावर 6 cos 2000 t, ठीक है, अगले ऑप्शन की अगर बात करें तो क्या है, 5 into 10 की पावर minus 4 cos 2000, ठीक है, अगले ऑप्शन की बात करें तो है सी ऑप्शन जो है वो है cos 2000 t, और लास्ट ऑप्शन जो है आपका वो है 500 cos 2000 t, ये रहे क्वेश्चन आपके, ठीक है. सो बढ़ते हैं, एक 10 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है, वो वोल्टेज सोर्स के थ्रू कनेक्ट है, तो उससे के थ्रू करंट क्या होगी देखते हैं भाई. सो ये रहा हमारा डायग्राम, वोल्टेज सोर्स की जो वैल्यू है वो है 50 साइन 2000 टी,
और कैपेसिटेंस की जो वैल्यू है वो कितनी है, सी की जो वैल्यू है 10 माइक्रोफेरेड है, आपसे पूछिए आईसीटी क्या होगी। ठीक है, सो अगर आपको फॉर्मूले याद है कि करंट थ्रू द कैपेसिटर इज आईसी इक्वल्स टू सी डीवी बाई टी एंड वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर इज वीएल इक्वल्स टू एलडीए बाई डीटी, सो यहां पे जस्ट फॉर्मूला लगा दीजिए, इट इज सी डीवी ओवर डीटी से। ठीक है यहां तक, और आपको पता है जो कैपेसिटर वोल्टेज, अगर आपने इसकी थ्योरी पढ़ी हो, जो कैपेसिटिव वोल्टेज है वही क्या होता है, सप्लाई वोल्टेज के बराबर होगा। सो सी की वैल्यू कितनी है, 10 है और माइक्रो फैरेड है तो 10 × 10⁻¹। ठीक है, एंड डी बाई डी टी ऑफ व्हाट, 50 sin 2000 t। ठीक है यहां तक, सो 50 तो बाहर आ जाएगा तो ये हो गया 500 × 10⁻¹। ठीक है यहां तक, आगे हम अगर बात करते हैं एम्पियर में पूछा है तो बिल्कुल ठीक है। नाउ डी बाई डी टी ऑफ साइन 2000 t। ठीक है, तो साइन का जो डिफरेंशिएशन है वो आपको पता है कॉस होगा 500 × 10⁻¹। साइन का डिफरेंशिएशन होगा कॉस और हम टी का करेंगे तो 1 हो जाएगा, बाहर क्या आ जाएगा 2000 बाहर आ जाएगा एंड इट इज कॉस 2000 t। ठीक है, अब चेक कर लिए सारे ऑप्शन में मेरे हिसाब से कॉस 2000 दे रखा है। ठीक है, अब अगर बात करें सो वी 3 × 0 5 × 0 एंड 5 × 10 तो 10 ये हो गया और 5 × 0 × 10⁻¹ इंटू कॉस 2000 t। चेक कर लीजिए यहां पर बात समझ में आ रही है, देखिए एक बार ना, तो ये हो गया 10⁻⁶ पॉजिटिव, ये हो गया 10⁻⁶ इंटू कॉस 2000 t, तो ये तो कैंसिल हो गया, सो इट इज जस्ट कॉस 2000 t वाला ऑप्शन होगा, देख लीजिए कौन सा है। सो हमारा जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो होगा सी। ठीक ठीक है यहां तक, सो योर ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो क्या है हमारा, व्हाट, हाँ नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टर्म, व्हाट इज द टर्म, व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब, what is the term used to describe the ability of an device of a device to store energy in the form of an electric charge। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं क्या है हमारे, तो ऑप्शन है हमारे, पहला ऑप्शन जो है वो हमारा इंडक्टेंस है, अगला जो ऑप्शन है वो है हमारा कंडक्टेंस है, नेक्स्ट ऑप्शन जो है हमारा वो है रिएक्टेंस है, और लास्ट ऑप्शन जो है वो हमारा कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस। ठीक है, तो देखते हैं भाई क्या है, व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द एबिलिटी ऑफ डिवाइस टू स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ चार्ज, एन इलेक्ट्रिक चार्ज। तो अगर आपको ध्यान हो, जैसे ही हम किसी कैपेसिटर पर क्या करते हैं, एक सप्लाई देते हैं, वी वोल्ट की क्या देते हैं, सप्लाई देते हैं, दिस इज, तो आपने ये देखा होगा कि इस प्लेट पर प्लस चार्ज, इस प्लेट पे क्या हो जाता है माइनस चार्ज हो जाता है,
इकट्ठा हो जाता है. सो कैपेसिटर स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड और इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज और इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज. सो यस योर ऑप्शन शुड बी कैपेसिटेंस. वेयर इज द कैपेसिटेंस? सो डी इज द आंसर. सो बहुत इजी क्वेश्चन था. अगर हम बात करें इंडक्टर स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ करंट और इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कैपेसिटर स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ चार्ज वोल्टेज और इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी. तो ये सारे जो चीजें हैं वो बिल्कुल सेम है. आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए कैपेसिटर द इलेक्ट्रिक चार्ज, द इलेक्ट्रिक चार्ज इज स्टोर्ड इन. पहला ऑप्शन जो है हमारा है डाइलेक्ट्रिक. अगला जो ऑप्शन है वो हमारा है मेटल प्लेट्स. और अगले की हम बात करें तो डाइलेक्ट्रिक एज वेल एज मेटल प्लेट्स. ठीक है. और हमारा जो लास्ट ऑप्शन है वो है नाइदर डाइलेक्ट्रिक नॉर मेटल प्लेट्स. ठीक है. तो देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा. सो एक बार क्वेश्चन को रीड कर लीजिए. जब इन ए कैपेसिटर द इलेक्ट्रिक चार्ज इज स्टोर्ड इन. तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो कहाँ कहाँ स्टोर्ड होता है. तो अगर हम बात करें जब किसी कैपेसिटर को किसी सप्लाई से कनेक्ट करते हैं तो होता क्या है, इस सप्लाई में जो एनर्जी है दैट इज स्टोर्ड इन द प्लेट इन द फॉर्म ऑफ चार्ज एंड दैट इज ऑल्सो स्टोर्ड हेयर. वी हैव डाइलेक्ट्रिक. ठीक है. यहां तक उस परमिटिविटी कॉन्स्टेंट इज दिस. नाउ अगर हम देखें तो जब भी किसी कैप्सर को अगर हम किसी बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो जो उसकी एनर्जी है या जिसकी ऊर्जा है वो दो जगह जाके खर्च हो जाती है. एक तो प्लेट पर जाके स्टोर हो जाती है और दूसरी जगह कहां जाके स्टोर हो जाती है, डाइलेक्ट्रिक. जितना अच्छा डाइलेक्ट्रिक होगा, जितनी उसकी कैपेसिटी अच्छी होगी, उतनी डाइलेक्ट्रिक जो एनर्जी स्टोर्ड है वो ज्यादा होगी. अगर कोई डाइलेक्ट्रिक बहुत बढ़िया है तो उसमें डाइलेक्ट्रिक जो एनर्जी स्टोर्ड है वो ज्यादा होगी और वो कैप्सर जो है वो उतना ही अच्छा कहलाया जाएगा. सो ऑप्शन जो हमारा होना चाहिए यहाँ पर जो है डाइलेक्ट्रिक सिर्फ गलत होगा, मेटल प्लेट्स गलत होगा. इन दोनों में स्टोर होती है. तो अगर हम दोनों की बात करें तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, सी करेक्ट होगा. अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा देखते हैं क्या होता है हमारा अगला क्वेश्चन. सो अगला जो क्वेश्चन है हमारा, व्हेन द प्लेट्स ऑफ प्लेट एरिया. तो हम अगले क्वेश्चन की बात करें, व्हेन द प्लेट
एरिया ऑफ ए पैरेलल ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज इंक्रीज्ड कीपिंग द कैपेसिटर वोल्टेज कॉन्स्टेंट कीपिंग द कैपेसिटर वोल्टेज कॉन्स्टेंट कीपिंग द कैपेसिटर वोल्टेज कॉन्स्टेंट देन द फोर्स बिटवीन द प्लेट्स द फोर्स बिटवीन द प्लेट्स पहला ऑप्शन जो है हमारा वो है इंक्रीजेस अगला जो ऑप्शन है वो है हमारा डिक्रीजेस और सी ऑप्शन जो है हमारा रिमेन कॉन्स्टेंट और लास्ट जो ऑप्शन है हमारा वो है मे इंक्रीज और डिक्रीज ऑन द मेटल मेकिंग अप द प्लेट्स मेटल मेकिंग अप द प्लेट्स ये रहे आपके ऑप्शन ठीक है तो देखते हैं क्या होगा आंसर इसका भी When the plate area of a parallel plate capacitor is increased, keeping the capacitor voltage constant, the force between the plates is. देखते हैं क्या होगा. So we are having two plates of the capacitor, and when it is connected to a supply, it is plus minus. So this is plus, this is minus, plus this is minus. तो अगर हम यहाँ पे बात करें, ये हो गया plus Q charge और ये हो गया minus Q charge. तो अगर हमें कूलाम्स लॉ याद आ रहा हो तो कूलाम्स लॉ क्या कहता था एक प्लस क्यू चार्ज यहाँ है और एक माइनस क्यू चार्ज यहाँ है और ये दोनों जो है आर डिस्टेंस पर हैं तो इनके बीच जो कूलाम फोर्स लगता था एफ इक्वल टू क्यू वन क्यू टू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर और अगर दोनों चार्ज सेम है तो क्यू स्क्वायर अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर यही तो होगा फोर्स अब अगर ये फोर्स है तो जो Q होता है CV ठीक है और V तो कांस्टेंट है तो Q इसके प्रोपोर्शनल हो गया C के सिंस V इज कांस्टेंट क्वेश्चन में गिवन है ये ठीक है यहां तक तो Q जो हो गया किसके प्रोपोर्शनल हो गया C के तो F इज प्रोपोर्शनल टू C स्क्वायर अब C किसके बराबर होता है पहला प्लेट में कैप्सर का जो फॉर्मूला होता है C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D अब कोई डिस्टेंस के बारे में कोई जिक्र है नहीं डायलेक्ट्रिक के बारे में कोई जिक्र नहीं है तो यहां से अगर देखें C इज प्रोपोर्शनल टू एरिया क्लियर है सो इट इज प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑल्सो अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर जो कैपेसिटर की प्लेट है उनका एरिया बढ़ा दिया जाएगा तो फोर्स क्या होगा क्लियरली दिख रहा है लीनियर प्रोपोर्शन है तो बढ़ जाएगा क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा यानी कि अगर प्लेट का एरिया बढ़ा दिया जाएगा तो जो फोर्स बिटवीन प्लेट्स है वो क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा तो बढ़ जाने के लिए क्या ऑप्शन होना चाहिए इंक्रीज ठीक है यहां तक अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं क्या है हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है हमारा फॉर द कैपेसिटर क्या है एनर्जी स्टोर्ड आई थिंक इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर इन ए कैपेसिटर ओवर ए साइकिल when excited by when
एक्साइटेड बाई एन एसी सोर्स इज, पहला ऑप्शन है जो हमारा है सेम एज दैट ड्यू टू ए डीसी सोर्स एट इक्विवेलेंट मैग्नीट्यूड। अगला ऑप्शन देखते हैं हमारा क्या है, हाफ ऑफ दैट ड्यू टू ए डीसी सोर्स एट इक्विवेलेंट मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये दो ऑप्शन हो गए। नाउ सी ऑप्शन जो है हमारा वो क्या है, जीरो है, और लास्ट जो ऑप्शन है वो क्या है, नन ऑफ दीस। ठीक है, यहां तक देखते हैं क्या होगा हमारा आंसर इसका। ना सो एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैप्सर ओवर ए साइकिल व्हेन एक्साइटेड बाय एन एसी सोर्सेज, तो अगर आपको याद हो पी एवरेज इज जीरो फॉर आइडियल इंडक्टर, फॉर प्योरली इंडक्टर सर्किट और फॉर प्योरली कैपेसिटर सर्किट। तो एनर्जी स्टोर्ड फॉर ए प्योरली इंडक्टिव और फॉर ए प्योरली कैपेसिटर सर्किट ओवर एन एंटायर साइकिल इज जीरो। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा, अगर आपने थ्योरी ध्यान से पढ़ी हो होपफुली आपके सारे क्वेश्चन जो है लगभग सही हो जाएंगे अगर आप पढ़ रहे हैं ध्यान से। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द कैपेसिटी ऑफ फोर कैपेसिटर्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी सी। ठीक है, नाउ दिस इज सी लाइक दैट सी when connected in series। ठीक है, क्या है, चार अगर इक्वल वैल्यू के कैपेसिटर हैं सीरीज में लगे हुए तो आंसर क्या होगा, 4C। बी ऑप्शन जो है वो होगा C/4। अगला जो ऑप्शन है वो है हमारा सी, और लास्ट जो ऑप्शन है वो है हमारा 3/4C। तो देखते हैं क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। सो अगर चार इक्वल वैल्यू के कैप्सर जो है वो अगर सीरीज में लगे हुए हैं देन व्हाट इज द रिजल्टेंट कैप्सर आंसर। सो अगर देखें भाई क्या होगा, 1, 2, 3 and 4, फोर वैल्यू ऑफ कैप्सर आर कनेक्टेड इन पैरेलल, दैट इज C, C, C and C। तो अगर आपको कैप्सर के सीरीज का फॉर्मूला याद है तो इट इज जस्ट अपोजिट टू इंडक्टर एंड रेजिस्टेंस। सो 1/C equivalent = 1/C, 1/C, 1/C + 1/C। ठीक है, सो इट इज 4/C upon C equivalent। नाउ व्हाट इज C equivalent, सो C equivalent इज C/4। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन जो है आपका बी ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, अब
Let's see the next numerical. So our next numerical is two condenser of capacity 2 condenser. Two condenser. Two condensers of capacity of capacity 2 farad and 3 farad are connected in series. Are connected in series. In series, a third condenser of 1 farad is connected in parallel. Is connected in parallel. Connected in parallel to them. To them. The resultant capacity in farad will be dash. देखते हैं क्या आंसर होगा. पहला ऑप्शन जो है हमारा है 6 farad. अगला ऑप्शन है हमारा 5/11 farad. सी जो है हमारा वो है 6/5 farad और अगला है डी 11/5 farad. तो देखते हैं क्या आंसर होगा हमारा. सो दो कैप्सर जो है वो इक्वल 2 और 3 वैल्यू के किसमें लगे हुए, सीरीज में लगे हुए, और उसके साथ एक थर्ड कैप्सर जो 1 farad का है. सो डायग्राम जो होगा हमारा ये होगा 2 farad and 3 farad. And last one is what? 1 farad. Okay. 1 farad now. In parallel them. Now, अगर दो capsules series में लगे हुए हैं तो क्या formula होगा for series? Series के लिए अगर दो के लिए देखें तो formula क्या होगा? 2 into 3 plus 2 plus 3. That is 6/5. 6/5. Clear है? तो अगर इन दोनों की जगह लगाना चाहूँ तो मैं एक लगा सकता हूँ. कितना आएगा ये? ठीक है यहाँ तक? तो दो कैप्सर सीरीज में लगे हुए हैं तो इनका इक्विवेलेंट जो आंसर होगा वो ये होगा. और अगर अगली बात करें तो अब ये दोनों किसमें है, पैरेलल में. सो टोटल इज 6/5 + 1 क्योंकि पैरेलल में डायरेक्ट जुड़ जाते हैं कैप्सर. जोड़ लेते हैं भाई. तो 6/5 और 5 और 6 11. इट इज 11/5. सो वी हैव 11/5. यस द करेक्ट ऑप्शन इज डी. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा देखते हैं क्या है. सो how will the total capacitance change when two capacitor are connected in parallel. पहला ऑप्शन जो है हमारा वो है total capacitance increases. अगला ऑप्शन जो है हमारा क्या है, total capacitance decreases. सी ऑप्शन जो है हमारा क्या है, the mean value. नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है द मीन वैल्यू
mean value gives the new capacitance. और लास्ट ऑप्शन जो है टोटल कैपेसिटेंस इज फाउंड बाय द रेसिप्रोकल इक्वेशन। ठीक है, यहां तक देख लेते हैं। तो देखते हैं हमारा क्या आंसर होगा। सो लेट्स सी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो देखते हैं इस क्वेश्चन का क्या आंसर है हमारा। सो अगर मैं पहले बात करूं, अगर दो रेजिस्टेंस सीरीज में है, R1 प्लस R2 सीरीज की बात करें, तो अगर टोटल रेजिस्टेंस सीरीज में होते हैं तो टोटल आंसर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। अगर यही रेजिस्टेंस पैरेलल में है, किसमें है, पैरेलल में है, तो रेजिस्टेंस जो है घट जाते हैं। सेम जो रिजल्ट है वही इंडक्टर के लिए होता है। अगर दो रेजिस्टेंस इंडक्टर सीरीज में लगे हुए हैं तो इंडक्टर बढ़ जाएगा, बट अगर दो इंडक्टर पैरेलल में है तो हम अगर ऐड करेंगे तो इंडक्टेंस क्या हो जाता है, घट जाता है। बट अगर कैपेसिटेंस की बात करें, C=C1C2+C1+C2, तो सीरीज में जो कैपेसिटेंस होते हैं वो घटते हैं, बट सीरीज में रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। बट पैरेलल में अगर बात करें तो ये तो हो गया सीरीज के लिए, और ये काय के लिए हो गया भाई, पैरेलल के लिए हो गया। ठीक है, सो अगर हम सीरीज में रेजिस्टेंस लगाते तो बढ़ जाता है, बट सीरीज में कैपेसिटेंस लगाएंगे तो घट जाएगा। पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाएंगे तो रेजिस्टेंस घट जाएगा, बट पैरेलल में इंडक्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सो अगर हम बात करें, हाउ विल द टोटल कैपेसिटेंस चेंज व्हेन टू कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन पैरेलल। सो अगर दो कैपेसिटर पैरेलल में लगे हुए हैं तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, कंडक्टेंस भी बढ़ जाएगा। बट अगर सीरीज में लगे हुए हैं तो कैपेसिटर भी घटेगा, कैपेसिटेंस भी घटेगा, कंडक्टेंस भी घटेगा। ये बात समझ में आ गई। सो एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं इस टॉपिक पर, फिर हम अपना जो इंडक्टर और रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस पढ़ा इसको कंक्लूजन दे देते हैं, और इसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट्स। सो देखते हैं कंपैरिजन ऑफ प्योरली रेजिस्टिव, इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव सर्किट।